सुनो, मुझे शैला की और सुहेल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छे घराने में ऐसा होता है कि नई नवेली दुल्हन को मैके के दरवाजे पे ही छोड़कर चला जाए। मैंने तो मॉम आपको पहले ही कहा था, उन लोगों में कोई क्लास नहीं है। एक मामूली सी नौकरानी के लिए पूरा घर अदालत लगा के बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपको एक हैरतअंगेज बात बताऊं मॉम, जिसके लिए पूरा घर परेशान था उसकी जूती तक को फिक्र नहीं थी चला कहीं की। ऐसा साफ मुकरी है कि क्या बताऊं आपको। मैं तुमसे क्या कह रही हूं और तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुम उस नौकरानी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती और सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम्हारा शौहर ही तुम्हें छोड़ दे। मेरा शौहर मुझे क्यों छोड़ने लगा? और मॉम आप क्या बातें कर रही हैं? वो जो कल रात से तुम्हें छोड़कर अपना फोन बंद करके बैठा है, तुम्हारी सास फोन नहीं उठा रही है, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है और तुम उस नौकरानी की फिक्र में लगी हुई हो। मॉम मैं कहीं रास्ते में नहीं खड़ी, वो मुझे मेरी मॉम के घर ड्रॉप कर कर गए हैं। यूं इस तरह से बगैर बताए? और शैला? उनसे तो अच्छा है कि बात नहीं हो रही, वरना सारा दिन मम्मी जी करते करते मेरे सर में दर्द हो जाता है। और अभी तो उनका वैसे ही मूड ऑफ है। पागल मत बनो हाजरा, किस्मत से इतना ऊंचा और अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें। ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो, वरना इस जज्बातीपन की आदत से ना तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मॉम अभी 2 दिन हुए मेरी शादी को और आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ बेटा, तुम्हें मोहतात कर रही हूँ। अभी तुम्हें गए हुए उस घर में 2 दिन नहीं हुए हैं, तुम अपने कदम जमाने के बजाय दूसरों के कदम खांडे में लगी हुई हो। तो मॉम आप क्या चाहती हैं कि मैं उस महापारा की बच्ची को वहां राज करने दूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम पहले उनके दिलों में अपनी जगह इतनी मजबूत बना लो कि वो घर एक रात तो क्या एक पल भी तुम्हारे बगैर ना चल सके। और महापारा? कहा ना कि कुछ दिनों के लिए महापारा का पीछा छोड़ दो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, पहले सुहेल और शैला का एतमाद तो जीत लो। जब वो तुम पे भरोसा करने लगेंगे ना, तो उसके बाद जो दिल में आए उस मुंशी की बेटी के साथ कर लेना।